रिकॉर्डिंग ऑन कर दी गई है। लेक्चर नंबर 1 एडवांस लेवल बैच 18th एंड 19th कोर्स नेम सोशल मीडिया मार्केटिंग। जी मैंने अपनी स्क्रीन शेयर कर ली है, होप्स हो कि आपको स्क्रीन विजिबल होगी। जी जी सलीम साहब, इंस्टाग्राम भी आएगा, लिंक्डइन भी आएगा। एडवांस लेवल के जो पहले दो लेक्चर्स होंगे ना वो फेसबुक के ऊपर ही अभी होंगे, देन हम आगे चलेंगे। सारे हमने टॉपिक्स को टच करना है, पहले फेसबुक इटसेल्फ इज अ बिग चैप्टर, बाकी तो एक एक दिन का चैप्टर है। ठीक है, सारे हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। आज का जो हमारा टॉपिक है, ऑल ऑफ यू प्रेजेंट, आप सब प्रेजेंट हैं, पहले एक सवाल का जवाब चाहिए। जो बेसिक लेवल में सिखाया आप सबको, क्या आप लोगों ने वो कहीं पर अप्लाई किया? क्या आप लोगों ने कैंपेन्स को रन किया? पेज लाइक्स की कैंपेन, पोस्ट एंगेजमेंट की कैंपेन, इनबॉक्स की कैंपेन, कोई हलचल हुई कि नहीं उसके बाद? एज एन असाइनमेंट काम किया? ओके ओके ठीक। आज हम फेसबुक एड मैनेजर को डिस्कस कर रहे हैं। फेसबुक एड मैनेजर की कैसे हम लोग, फेसबुक एड मैनेजर की हेल्प से लीड जनरेशन, आज का ऑब्जेक्टिव है लीड जनरेशन, लीड जनरेशन के ऊपर हम कैसे एड चलाएं। कितने लोगों ने सीखना है लीड जनरेशन का टॉपिक, मैं इसकी इंपॉर्टेंस बता दूं। अगर आप ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं, कोई शॉपिंग स्टोर है आपका, कोई आपका ऑनलाइन सेल्स का कोई भी एक्स वाई जेड बिजनेस है, कोई भी किसी भी किस्म का, तो उसमें लीड जनरेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको हेल्प करता है डेटा कलेक्ट करने में टारगेटेड, कि वो लोग जो इंटरेस्टेड लोग होंगे, वो लोग जो टारगेटेड लोग होंगे, उनका डेटा आप लीड जनरेशन के ऑब्जेक्टिव से गैदर कर सकते हैं। ठीक है जी, क्रिएट पे जाएंगे, क्रिएट पे जाते साथ ही यहां पे आपको कंसिडरेशन के अंदर मिलेगा ये ऑब्जेक्टिव लीड जनरेशन। ये मैंने इस पे क्लिक कर दिया। लीड जनरेशन में आके हम इसको रीनेम करते होते हैं, या जो भी हमने नाम देना हो हम वो नाम लिखते हैं। इसको ऑफ रहने देंगे, इसको भी आप ऑफ रहने दें, इसको ऑन मत करें, इसमें कंटिन्यू जाने दें। एड सेट नेम ये ऑडियंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब कभी भी आपने ई कॉमर्स बेस्ड काम करें, या आप कोई मतलब ऑनलाइन सेलिंग का जहां पर इन्वॉल्वमेंट आ रहा हो, आपने इश्तिहार कोई ऐसा दिखाना हो जिसमें आप चीजों को बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, तो हमेशा जो एज है वो 18 साल से ऊपर की रखनी चाहिए। 18 साल से कम लोगों को आपको फेसबुक अलाउ नहीं करेगा कि आप एड दिखाएं, और अगर एड दिखाया तो आपके पेज में या एड अकाउंट में कोई एरर दे देगा। क्लियर? जब कभी भी ई कॉमर्स बेस्ड काम करें या लीड जनरेशन का कोई आप काम करें, तो जो एज आपने लगानी है वो 18 प्लस लगानी है, 18 से कम नहीं आपने जाना। ये एक दो स्टेप्स हैं, सिर्फ उस पर आप यस लिखेंगे तो मैं आगे चलता जाऊंगा। एक दो बातें मैं आपको साथ साथ बताता रहता हूँ, प्लीज इसको सीरियसली लिया करें। जी अब ये आ गया जी पेज, यहां से आप अपने पेज को सिलेक्ट करोगे जिस पेज पर आपने एड रन करना है। सपोज करें हमने ये पेज सिलेक्ट किया हुआ है, और अब यहाँ पर क्या कह रहा है, प्लीज रीड एंड एक्सेप्ट फेसबुक लीड एड्स टर्म बिफोर क्रिएटिंग योर एड फॉर दिस पेज। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे और इसको एग्री करके एक्सेप्ट करोगे इनके टर्म्स को, तो यहाँ पर ऐसे यू हैव एक्सेप्टेड फेसबुक लीड एड्स टर्म फॉर दिस पेज। ऑल ऑफ यू क्लियर? ये आप एलिजिबल हो गए, आपको फेसबुक ने ऑथोराइज कर दिया कि अब आप फेसबुक लीड जनरेशन का एड चला सकते हैं आसान। अच्छा, इसको भी आप ऑफ रहने दें, कैटालॉग ऑप्शन इसको भी ऑफ रहने दें, ऑडियंस पे आ जाएंगे। ऑडियंस हमें आती है बनानी, क्या हम किसी भी बिजनेस की ऑडियंस को बना सकते हैं? आप मैंने अगर आप लिखेंगे यस तो मैं आपका लूंगा टेस्ट यहाँ पर। अभी All of you type yes please. Let's suppose हम Android, sorry हम एक
सैमसंग का कोई सेल फोन सेल कर रहे हैं, ठीक है, सैमसंग का एक मोबाइल बेच रहे हैं हम ऑनलाइन ना, तो उसके लिए लीड जनरेशन के ऐड चला रहे हैं, ठीक है, तो ऑल ओवर पाकिस्तान ही हम ऐड चलाएंगे, ठीक है। तो जो एज है, एज क्या रखूंगा मैं, मोबाइल बेच रहा हूं मैं, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर बेचना है, एज मिनिमम क्या हो मैक्सिमम क्या हो, 18 से 40, 18 से 45, 18 से 30, या आप इसको 40 कर दीजिए, सेफ साइड पे हम रहते हैं। हाँ जी, जेंडर्स मेल फीमेल सारे इंटरेस्टेड होते हैं, ऐसे ही है ना, इंक्लूड पीपल हु मैच। अब टारगेटिंग, अब बताओ कि जब मोबाइल बेच रहे हैं हम, पहला वर्ड क्या लिखेंगे, सैमसंग का मोबाइल हम सेल करना जा रहे हैं, हमने पहला नाम क्या लिखना है, मोबाइल। अब मोबाइल फोन का इंटरेस्ट हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मोबाइल कौन सा है जी, सैमसंग का, तो सैमसंग की सारी ऑडियंस ही आप उठा दें, जनाब आपने अब क्या करना है, ये इंटरेस्ट और बिहेवियर में थोड़ा सा फर्क समझिएगा, ठीक है। इंटरेस्ट वो जो आप जिसमें दिलचस्पी रखते हो, और बिहेवियर वो जो आप जैसे आप कर रहे हो, जो आपके एक्शंस होते हैं, ठीक है, बिहेवियर को हम एक्शंस कहते हैं, ठीक है। मैंने एक सिलेक्ट किया है यहाँ पे गैलेक्सी S8, अब उसने सारे मोबाइल के ब्रांड दे दिए सैमसंग के, तो मैं जरा इन सब को मोबाइल डिवाइस को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, आईफोन वालों को मैं ऐड नहीं दिखाता, और यहाँ से हम ऑनलाइन शॉपिंग पे भी जाएंगे, थैंक यू, हो गया सिस्टम। तो आईफोन ही चला गया सारा, एंगेज शॉपर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, एंगेज शॉपर्स, ये ई कॉमर्स के अंदर इसको आप लाजमी लेके आया करें, अब आप आ जाएं जी जरा ब्राउज पे एक दफा, और ब्राउज पर आकर आ जाएं बिहेवियर पे, जरा पहले बिहेवियर से पहले इंटरेस्ट को जरा देख लेंगे, मोबाइल बेच रहे हैं, मोबाइल आ रहा है टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी में ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑल ऑफ यू प्रेजेंट वॉचिंग, ये मैं एडवांस टारगेटिंग आपको सिखा रहा हूँ, प्लीज फोकस रखिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे हम आ जाते हैं मोबाइल फोन्स, मोबाइल फोन पे पहले अटैक लगा हुआ है, ठीक है, स्मार्टफोन पे भी अटैक लगा हुआ है, ठीक है जी, अब बिहेवियर पे आ जाते हैं, बिहेवियर, बिहेवियर पे आए तो मोबाइल डिवाइस यूजर, ऑल मोबाइल डिवाइसेस बाय ऑपरेटिंग द सिस्टम, एक सेकंड चैट खुली हुई है, शो फेसबुक एक्सेस ऑल, ओके, फेसबुक की ऐप खोलनी, ठीक है, पहले तो हम ये सेट कर लिया, ओ चला गया, हाँ जी बताएंगे प्लीज, आप सब जो मोबाइल यूज कर रहे हैं आप किस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, 3G है, 2G है, 4G है, 5G है, टेक्नोलॉजी है ना 4G,
ठीक है जी, अब वाईफाई वालों को भी हम ऐड दिखा देते हैं, 3G वालों को क्या करना है, न्यू स्मार्टफोन एंड टैबलेट यूजर्स इनको भी ऐड दिखा देते हैं। इसको रहने दें बस। अच्छा अब बताओ कि ये जो है सिस्टम है जो सैमसंग मोबाइल हम बेच रहे हैं, एंड्रॉयड होगा ना, ये एंड्रॉयड होगा ऐसे ही। अब ये देखो, ये चैट मुझे आप सबकी आ रही है प्राइवेट, तो आप सब बिला झिझक मैसेज करें मुझे, आप सबका मैं मैसेज पढ़ दूं। अब एक एंड्रॉयड यहाँ पर इंटरेस्ट 2 लाख का है, और यहाँ पर कितना इंटरेस्ट शो कर रहा है कि था बड़ी ऑडियंस है, तो हम इस एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सिलेक्ट करेंगे। अब मुझे बताओ दराज का नाम भी हम लिख लें, दराज भी सेलफोन बेच रहे हैं, ये एक बड़ी एक्सक्लूसिव टारगेटिंग हो रही है। अब यहाँ पे एक दो और भी मशहूर हैं, होम शॉपिंग, हाँ जी, ये ऑल ऑफ यू प्रेजेंट। कभी भी अगर मोबाइल का काम करना हो, मोबाइल का या कंप्यूटर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स का, मोबाइल का या कंप्यूटर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो पाकिस्तान में होम शॉपिंग एक ऐसा इदारा है जो दराज के बाद नंबर 2 आता है, मीन नंबर 2 इनका है, लाइक रैंक है ऑल ओवर पाकिस्तान, और इनकी जो स्पेशलिटी है वो गैजेट्स और एक्सेसरीज और मोबाइल डिवाइसेस के अंदर है। तो आप इसकी ऑडियंस को टारगेट करेंगे तो आपको काफी मिलेगा। अब होम शॉपिंग, एक तो ये होम शॉपिंग डॉट पी के की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे होम शॉपिंग डॉट पी के, ठीक है, टेलीमार्ट भी आएगा, बिल्कुल आएगा टेलीमार्ट, टेलीमार्ट। अब असल में टेलीमार्ट भी है तो बेहतरीन ही जा रहा है, लेकिन टेलीमार्ट एग्जिस्ट नहीं यहाँ पे कर रहा ना। अच्छा जी, सजेशन में देख लेते हैं कुछ और हमें मिल जाए तो, क्या ही बात है। हाँ जी, ये देखें, ये बिहेवियर सेलेक्ट करना चाहिए कि फेसबुक के एक्सेस और एंड्रॉयड डिवाइसेस, ये टारगेटेड है, ठीक है। और हाँ, अब आप डिफरेंट कुछ कंपनीज को भी टारगेट कर लें, शॉमी को कर लो, हवावे को कर लो, जो जो बड़ी बड़ी कंपनीज है आप उनको वैसे ही टारगेट कर लीजिए, आपको कहीं ना कहीं उनसे भी रिस्पॉन्स मिल जाएगा जी। मैं टाइम क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ये ऑडियंस फाइनल बन रही है। अब बेसिक में तो मैं बताता था ना आपको यार, ये 5-10 मिनट लगा के, इसमें ये कि ये ऑडियंस आपकी टारगेटेड बन रही है। अब ये मजीद भी आप इस पर थोड़ा सा काम करेंगे तो ये मजीद अच्छी बन सकती है। अब सोचो कोई और वर्ड हम लिख सकते हैं इसमें, हम एंड्रॉयड का फोन बेच रहे हैं, सैमसंग का फोन बेच रहे हैं, प्राइस हमारी कम है, और क्या लिख सकते हैं सजेशंस में देखते हैं, और कुछ नोकिया देख लो। बस ठीक है जी, ये हमने एक ऑडियंस बना ली, इस ऑडियंस को हमने कर लिया, क्या नाम लिखूंगा, मैं अभी मैसेजेस नहीं पढ़ रहा जी, मैं अभी आपको मैसेज पढ़ता हूँ। मैं पहले कैंपेन, बजट एंड स्केड्यूल, एक दिन पे ऐड चलाना है, 2 दिन पे ऐड चलाना है, जो भी है आप इस पे लिखते हैं, ठीक है। ये हम 1 हफ्ते के लिए ऐड चला रहे हैं, ठीक है, 500 पर डे के ऊपर कंटिन्यू। फेसबुक एड मैनेजर रिवाइज हो गया आप सबका, पिछले वाला ऐसा, यार मैं सबके मैसेज का आंसर देता हूँ, मैं थोड़ा सा ये कर लूँ, मेरा इस वक्त जो ब्लड प्रेशर। अच्छा जी, लीड जनरेशन, आइडेंटिटी, ये पेज सेलेक्ट हुआ हुआ है हमारा। हाँ जी, इंस्टाग्राम का अकाउंट आप सबने अटैच किया हुआ है अपने फेसबुक पेज के साथ, इंस्टाग्राम का अकाउंट फेसबुक पेज की सेटिंग्स में जाके कनेक्ट किया हुआ है कि नहीं, अब नो मत लिखिएगा। फॉर्मेट, फॉर्मेट सिंगल इमेज और वीडियो या कैरासॉल, आपको फायदा कहाँ पे होता है मार्केटिंग में,
पे बता सकते हैं। आपको फायदा वहां पर होता है जहाँ कम पैसों में ज्यादा रिस्पॉन्स आ जाए। अब कम पैसों में ज्यादा रिस्पॉन्स कैसे आ जाए? कम पैसों में ज्यादा रिस्पॉन्स ऐसे आता है, एक तो आप टारगेटिंग आप कर रहे होते हैं, एक आप कोई एंगेजमेंट का एड साथ चला रहे होते हैं, एक आपका कोई डिजाइन भी बड़ा अच्छा होता है, कंटेंट भी बड़ा अच्छा होता है। साथ साथ एक ऑप्शन ये भी है कि आप उसी सेम पैसों में आप मल्टीपल इश्तेहार दिखा दें, कि आपको जो मार्केटिंग का बजट है वो एक ही लगे, लेकिन जो देखने वाला हो उसको ज्यादा ऑप्शन दिखने को मिले, जो परचेज करने वाला हो उसको चार पांच छह चीजें आप दिखाएं एक टाइम पे, ठीक है? तो आपको फायदा है उसको ग्रैब करने का, सेम बजट में वो ज्यादा चीजें भी आपसे बाय कर सकता है। तो हम जब एक से ज्यादा इमेजेस की बात करेंगे, मल्टीपल चीजों को सेल करने की बात करेंगे प्रोफेशनली, वहां पर हम बात करेंगे कैरासोल एड की। कैरासोल ऐड में आप सबको मैंने सिखाया होगा, कैरासोल ऐड ऐसे ही है, टाइप यस प्लीज। कैरासोल ऐड में आप चार चीजें लगाएं, पांच चीजें लगाएं, 10 लगाएं, कैरासोल की अपनी वर्थ है, ठीक है? मैं आपको दोबारा से एक दफा रिवीजन में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अब इसके बाद बड़े टास्क आने और प्रैक्टिकल काम होने करना, माफी ना मुझे है ना आपको। कंटिन्यू, ये मैंने पहला एक लगा लिया और यहाँ पे लेट्स, असल में अभी तक हमारी थकावट इतनी उतर रही जहां से हम सफर करके आए इतना। पहले इमेज लग गई हमारी, ठीक है जी, दूसरी इमेज हमने लगा दी। बस मैं दो ही इमेज लगाता हूँ कि हमारा टाइम ज्यादा ना लगे। असल जो चीज है करने वाली वो हम कर लें। क्लियर है जी? कैरासोल हो गया, ये आप मल्टीपल ये दो लगाए ना मैंने यहाँ पे, ये देखिए नॉर्दर्न एरिया डिस्क्रिप्शन में आया, ये यहाँ पे लिख देते हैं ग्रैंड होटल का नाम लिख देते हैं। ये देख रहे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन भी ऐड हो रही है, ठीक है? क्लियर है? कैरासोल तक क्लियर है? यहाँ तक स्टेप क्लियर है? अब आखिरी तीन स्टेप्स हैं हमारे, फिर अगले ऑब्जेक्टिव पे आएंगे। जल्दी से साथ देंगे प्लीज। अब यहाँ पे वो एक ऑप्शन मांगेगा, एक ऑप्शन। हम इस किस्म के बटन को क्या कहते होते हैं? इस किस्म के बटन को हम क्या मौजूम भाई, मैं दे देता हूँ बॉस, मैं अभी दे देता हूँ आपको लिंक। इस किस्म के बटन को हम क्या कहते हैं? कॉल टू एक्शन, ठीक है? ये एक वाहिद बटन होता है जो आपके और आपके कस्टमर के दरमियान रबते का जरिया होता है। लेकिन अब हम चला रहे हैं लीड एड। लीड एड में हम सेंड मैसेज वाला बटन नहीं लगा सकते ना यहाँ पे, लीड एड में हम सेंड मैसेज वाला बटन नहीं लगा सकते। हम अब ई कॉमर्स कर रहे हैं, मोबाइल बेच रहे हैं, तो हम मोबाइल बेच रहे हैं तो हम किस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे? जरा आपका माइंड चलना चाहिए अभी इस वक्त। माइंड जो अवेलेबल बटन है आपने अपने माइंड से नहीं सोचना, यहां से देख के बताना है। बुक नाउ, अगर एजुकेशन होगा तो अप्लाई नाउ होगा, वरना ये बुक नाउ होगा, ऑर्डर नाउ, अब बुक नाउ, ठीक है जनाब? ये अब आपने लगा दिया। अब क्वेश्चन फॉर्मेट, लीड जनरेशन है क्या? बेसिकली आपने देखा होगा दराज अपनी वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर प्लेस करवाते हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो अपनी वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर प्लेस करवाते हैं, ठीक है? आप जब फेसबुक एक पेज बनाते हैं, शॉपिंग स्टोर बनाते हैं, तो आप ये कोशिश होती है कि जब बंदा फेसबुक के पेज पर आए, इनबॉक्स करे, तो मैं उसको अपनी वेबसाइट का लिंक दूं और वो वहां पर जाके ऑर्डर की डिटेल्स डाले और साइन अप करे, और फिर जो भी डिटेल्स होंगी आप उसको प्रोसेस करेंगे। बट फेसबुक ये कहता है कि अगर आप प्रेजेंट है ना, आप सब आप समझिएगा कि आपने, मैं आपको पहले समझा देता हूँ यहाँ पर इनका असल जो चीज़ है वो समझने वाली है। इधर फिर हम आ जाते हैं ये,
आप फेसबुक से ट्रैफिक को लेकर जाएंगे आप वेबसाइट पे अपनी या किसी और प्लेटफॉर्म पे अदर देन फेसबुक। फेसबुक विल चार्ज यू वेरी हाई क्योंकि वो फेसबुक से ट्रैफिक कहाँ जा रही है अदर प्लेटफॉर्म्स पे। हो सकता है आप यूट्यूब के ऊपर लेकर जा रहे हो सकता है आप अपनी वेबसाइट के ऊपर लेकर जा रहे हो। मेरी बात समझ रहे हैं? मीन्स टू से आपने एड रन कर दिया किसी भी एक्स वाई जेड ऑब्जेक्टिव पे। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, किसी भी ऑब्जेक्टिव पे एड रन किया और अब आप ये चाह रहे हैं कि आपने एक लिंक दे दिया कि मेरी वेबसाइट पे आ जाओ या कोई गूगल डॉक्स का रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे दिया कि यहाँ पे इस फॉर्म पर क्लिक करके फॉर्म फिल कर दो या कोई अपने चैनल का लिंक दे दिया या कोई भी आपने लिंक दे दिया कि यार फेसबुक से ट्रैफिक को वहां पर लेकर जाओ तो फेसबुक आपको बड़ा ज्यादा चार्ज करेगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया? तो अब फेसबुक ने कहा कि मैं आपको ज्यादा भी चार्ज नहीं करता और आपका मकसद भी पूरा कर देता हूं। वो ये कि हमें एक ऑटो एक फॉर्म मिलेगा ऑन फेसबुक कि आपको वेबसाइट बनाने की जरूरत नहीं, आपको किसी और प्लेटफॉर्म का रजिस्ट्रेशन लिंक निकालने की जरूरत नहीं, आपको फेसबुक एक इंस्टेंट फॉर्म बनाकर देगा। एक फेसबुक इंस्टेंट फॉर्म बनाएगा जहां पर होगा क्या कि अगले ने हमारे साथ जाना है मरी जाना है तो बुक नाउ के ऑप्शन पे जो ही क्लिक करेगा तो वो फेसबुक से बाहर नहीं जाएगा, फेसबुक के पेज पर ही वहीं पर एक फॉर्म ओपन हो जाएगा और वो उसको फिल करेगा और वहीं पर सबमिट हो जाएगा। समझ आया? जैसे आप सेंड मैसेज का होता था ना बटन के हम क्लिक करते थे तो इनबॉक्स पे चले जाते थे, या तो वेबसाइट लगी होगी तो बुक नाउ पे क्लिक करेंगे तो वेबसाइट पे चले जाएंगे। बट लीड जनरेशन में कोई भी आपको ऑर्डर आएगा किसी ने भी यहाँ पर क्लिक किया तो आपको ऑटोमेटिक एक फेसबुक का फॉर्म शो हो जाएगा आपके कस्टमर को, वहीं पर फेसबुक उसे फॉर्म फिल करवाएगा और वहीं पर वो सबमिट हो जाएगा, फेसबुक से बाहर नहीं जाया जाएगा। इसलिए कॉस्ट इसकी इतनी कम आती है, इतनी कम आती है कि आपकी सोच है लाइक मैं आपको भी दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। मैंने कुछ कैंपेन इसकी चलाई होंगी, कस्टम फॉर्म बनाएंगे जैसे अब मर्जी आपका दिल है। इंस्टेंट फॉर्म पे हमने क्लिक किया और अब इंस्टेंट फॉर्म हम बनाने जा रहे हैं न्यू फॉर्म की शुरुआत, क्रिएट योर फर्स्ट फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म होगा? रजिस्ट्रेशन फॉर्म या ऑर्डर फॉर्म, सर्वे फॉर्म, जो भी आप अपने कस्टमर से इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं, जो भी आप इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं। ठीक है, लीड जनरेशन इज अ बेस्ट। फॉर्म का नाम लिखेंगे मोबाइल, हम बना रहे हैं फॉर्म टाइप, हमें ज्यादा वॉल्यूम चाहिए, मोर वॉल्यूम। इंट्रो, इंट्रो में बैकग्राउंड इमेज क्या, यूज द इमेज फ्रॉम योर एड, कि जो आपने इश्तिहार लगाया हुआ है जो मल्टीपल इमेजेस हैं उन्हीं में से कोई तस्वीर उठा ली जाए या कोई आपने कस्टम इमेज लगाना है तो हमारे पास ऑप्शन ओपन है कि हम इस फॉर्म के ऊपर वाली जो हेडिंग वाली इमेज होती है वो चेंज कर सकते हैं। तो आप इसको, ये मैं वैसी इमेजेस लगा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। जी ये इमेज हमारा चेंज हो गया, ये आपके पास ऑप्शन ओपन होगा, ये आपके पास ऑप्शन ओपन होगा कि आप इमेज को चेंज करना चाहें चेंज करें, वो रहना दें या वो आपकी मर्जी। ठीक है, मुझे आप बताएंगे कि आपका इंट्रो वाला ऑप्शन क्लियर हो गया। इंट्रो के अंदर हमने बैकग्राउंड इमेज को देख लिया, अब ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग्स में हेडलाइन, हेडलाइन में सपोज करो कि मैंने क्या लिखा था, लेट्स गो टू मरी, मतलब कुछ भी आप अपनी हेडिंग आप दें, कोई भी आप हेडिंग लगाएं यहाँ पे जो मेन आपकी कैप्शन होता है आप बेसिकली आप इसको आप वो यहाँ पे लिखें जो जो डिटेल्स आप देना चाह रहे हैं कि यार ये मैं चीज़ बेच रहा हूँ, इसके ये फायदे हैं, ये इसकी प्राइस है, ये इसके ऑर्डर की डिटेल्स हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। और अगर आपने कोई मजीद आपने कोई चीज़ डिटेल ऐड करनी है तो आप वो यहाँ पे एज अ डिस्क्रिप्शन भी ऐड करें। ठीक है, ऑल ऑफ यू क्लियर? ये आपको मैंने सर दो पॉइंट समझाए हैं अभी तक फॉर्म क्रिएट करने के। ये फॉर्म थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैं इसलिए आहिस्ता आहिस्ता चाह रहा हूँ। अब मैं बैक हूँ अपनी पोजीशन पे, आप लोगों ने बैक होना है,
मोबाइल फॉर्म का नाम लिखा, फॉर्म टाइप पे बैकग्राउंड इमेज आपने अपलोड भी करवा सकते हैं या जो इमेज चल रहा है उसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है, दोनों इमेजेस। हेडलाइन में आपने जो डिटेल्स डालनी है और डिस्क्रिप्शन में जो डिटेल्स, सिर्फ 3 लोगों के मैसेज आ रहे हैं। होस्ट अगर आप प्रेजेंट हैं तो बराए मेहरबानी जरा ये देखिएगा कि ये जो 60 के करीब लोग हैं ये कहाँ बैठे हैं, इसी सेशन में हैं तो ये जवाब क्यों नहीं दे रहे। मिस नीला आजम, यस मुझे सर, मैं चेक आप, कर रही हूँ। हाँ जी, ये जो लोग जवाब दे रहे हैं मुझे इनके नाम चाहिए क्लास के एंड पे प्लीज। यस सर, ठीक है सर। अच्छा, क्वेश्चंस पे आ गए आप, क्वेश्चंस पे आप दीजिए। अब आपने सवाल जवाब लिखने हैं कि जो आपका कस्टमर आपसे पूछे या आपने जो उससे पूछना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन भी लाजमी है यार, वो जैसे आप फेसबुक की एक पोस्ट नहीं बनाते, ये बेसिकली आप एड बना रहे हैं। जब बंदे ने क्लिक करना है उस ऑप्शन पे, अप्लाई नाउ पे या रजिस्टर नाउ पे या जो भी बटन दिया है, तो समझेंगे आप वो आपकी वेबसाइट पे चला गया है। तो आपकी वेबसाइट पे एक इश्तेहार भी होगा, उस इश्तेहार की डिस्क्रिप्शन, हेडलाइन और इंफॉर्मेशन भी होगी, साथ साथ एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भी होगा। ऐसे ही होता है ना, दराज की वेबसाइट खोलो किसी भी चीज की, सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी वहां पर, आखिर में लिखा होगा यहाँ पे जाके आप ऑर्डर प्लेस कर दें। तो ये हम वेबसाइट बना रहे हैं, अब ये समझ लीजिए, ठीक है। अच्छा जी, एड क्वेश्चन, कस्टम क्वेश्चंस मीन वो क्वेश्चन जो आप अपनी मर्जी से डालना चाहें। प्रीफिल क्वेश्चंस, प्रीफिल क्वेश्चन से मुराद क्या है कि फेसबुक के पास आपका नाम, आपका ईमेल, आपके शहर, आपका जेंडर बाय डिफॉल्ट आपने डाला होता है जब आप फेसबुक पे अकाउंट बनाते हैं, तो वो डिटेल आपके कस्टमर को अपने हाथ से नहीं लिखनी पड़ेंगी, वो ऑटोमेटिक फेच करेगा फेसबुक। प्रीफिल क्वेश्चंस का ये मतलब है, अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ प्रीफिल क्वेश्चन क्या है। ये हमने कोई एक आधी हेडिंग लगा दी इधर, ठीक है, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, चूज द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यू नीड। हमें अगले का नाम चाहिए, फुल नेम ऊपर आ जाएगा। अब जरूरी जरूरी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो क्या, वो कॉन्टेक्ट फील्ड, ऐड कैटेगरी पे जाएंगे, कॉन्टेक्ट फील्ड, कॉन्टेक्ट फील्ड में हमें फोन नंबर चाहिए कस्टमर का कि नहीं, सोचें, बिल्कुल चाहिए हमें फोन नंबर उसका। कॉन्टेक्ट फील्ड में जाएं, उसका शहर हमें चाहिए कि नहीं, बिल्कुल चाहिए जी, ठीक है, आ जाए यहाँ पर। और कंट्री पूछने की जरूरत नहीं है, और बाकी आपको उसका लाइक पार्सल करियर करवाना है तो एड्रेस तो चाहिए ना प्रॉपर, तो स्ट्रीट एड्रेस भी हम लिखेंगे। यूजर इंफॉर्मेशन, फुल नेम वो आ गया। अच्छा जी, जेंडर आप पूछ लीजिए अगर आपके लिए है जरूरी, अदरवाइज आप इग्नोर कर दें। अच्छा जी, वर्क इंफॉर्मेशन क्या करता है क्या नहीं, ये सारी ये चीजें वो हैं जो आप अपने मुताबिक डालेंगे या निकालेंगे इसमें से, ठीक है। ऑल ऑफ यू क्लियर? ये आप, ये वाले जो सवाल है ये कौन से सवाल हैं, ये प्री फिल क्वेश्चंस हैं, ये प्री फिल क्वेश्चंस हैं। अगर आपने फेसबुक का, आप सबने फेसबुक का अकाउंट कब साइन अप किया था, याद है किसी, कई साल हो गए होंगे ना, तो जब हम अकाउंट बनाते हैं हम सारी इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट उसमें इंसर्ट करते हैं, तो फेसबुक के पास इसमें से जोन जोन सी इंफॉर्मेशन आपकी पड़ी होगी वो ऑटोमेटिक आपको नहीं लिखना पड़ेगा, वो फेसबुक आपकी जगह वो लिख रहा हो, आपको सिर्फ वो चीजें लिखनी है जिसका जवाब फेसबुक के पास भी नहीं। मीन अब मैं आपसे यहाँ पे, मैं एक सेलर हूँ तो मैं एक सवाल कर लेता हूँ कि काइंडली टेल अस वेयर, क्या आपने हमारा एड फर्स्ट टाइम कहाँ देखा, ये पहला सवाल मैंने एंटर कर दिया, ठीक है। दूसरा सवाल मैं कहता हूँ, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम डाल लेते हैं, लेट्स गो टू मरी, भला हम लगा देते हैं सेगमेंट इधर, और यहाँ पे अब मल्टीपल चॉइस मरी जाना चाह रहे हैं जी, नारायण जाना चाह रहे हैं, सावान जाना चाह रहे हैं, अच्छा वैसे एक बात का जवाब दीजिए कि क्या ये तरीकेकार है कि जब एक चीज उस्ताद पढ़ा रहा हो तो बीच में उसको रोक के एक्सक्यूज मी सर कहा जाए,
ये दो तीन लोग यहाँ पे, यार मैं आपके सवाल के जवाब मैं नहीं दे सकता अगर आप मुझे हटाएंगे मेरे पॉइंट से। पहले इसको समझ लें, ये नहीं कोई समझाएगा आपको इस फीस के अंदर, इस फीस में ये चीजें आपको कोई नहीं सिखाएगा। जो सिखाया जा रहा है उस पर फोकस कर लो प्लीज। ये हमने ऐड कर लिया, ठीक है। ये हमारे दो सवाल, एक मल्टीपल चॉइस और एक ये हमने एक सवाल रोल डाला। आपको ये सवाल इंसर्ट करना आ गए, यहाँ से जो सवाल डालना है यहाँ से देख लो, वरना कस्टम सवाल जो वहां पे ना मिले वो आप यहाँ पे जाके आप ऐड कर लें। इसमें क्या मसले है? क्लियर है? ऑल ऑफ यू क्लियर? मैं 5 दफा पूछूंगा ऑल ऑफ यू क्लियर, और आप अगले लेक्चर में कहेंगे सर दोबारा समझा दें। प्राइवेसी पे आ गए, प्राइवेसी यहाँ पे मांगेगा क्या? यहाँ पर मांगेगा क्या? आपकी वेबसाइट का लिंक। अब आपकी वेबसाइट तो होगी नहीं, ऐसे ही है ना, वेबसाइट होती तो हम ये फॉर्म क्यों बनाते? वेबसाइट होती तो हम ये फॉर्म क्यों बनाते? यार ये जहां आपने कुछ लिखना हो अपने बिजनेस के मुतालिक आप लिख सकते हैं, डिस्क्लेमर डालने की आपको जरूरत नहीं है। कंप्लीशन में आ जाओ, हेडलाइन वो जो जब उसने ये क्या कहते हैं, जब फॉर्म फिल करेगा, जब सारी डिटेल्स ऊपर वाली डाल देगा, तो आखिर में उसको एक ये वाला पेज शो होगा। थैंक यू पेज समझते हैं आप लोग? थैंक यू पेज समझते हैं? जब कोई ऑर्डर प्लेस कर दिया जाता है, जब सबमिट हो जाता है, तो फिर एक हमें एक्नॉलेजमेंट आती है कि थैंक यू आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब आपको इतने से इतने अरसे में ये चीज़ मिल जाएगी। एक कंफर्मेशन, एक मैसेज होता है। हेडलाइन, थैंक यू ऑर्डर सेट, योर ऑर्डर विल बी डिलीवर इन नेक्स्ट 2 डेज। कॉल टू एक्शन बस अब यू वेबसाइट, यहाँ पे आपने क्या काम करना है जी? ये आप देख रहे हैं कॉल बिजनेस, और यहाँ पर आपने अपना नंबर लिखना है पाकिस्तान का, जहाँ पर आप कोई कॉल सेंटर पे एक बंदा बिठाते हैं, जहाँ पे आप सेल्स बेस्ड काम कर रहे होते हैं, कस्टमर की क्यूरीज आ रही होती है। ये देख रहे हैं, ये यहाँ लिखा जा रहा है, ये फॉर्म तैयार हो गया। ये फॉर्म तैयार हुआ तो मैंने इसको कराया सेव। अब सेव कराऊंगा तो हमें जो जो इश्यूज आएंगे वो पता लग जाएंगे। मेरे ख्याल से कुछ मसला नहीं आया अभी तक, फॉर्म हमारा बन गया। पब्लिश कर देते हैं इस फॉर्म को, तो ये एरर आ गया जी। एक एरर है, कहाँ पे है? यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हमने नहीं लिखी थी, अब ये पब्लिश हो जाएगा। ये पब्लिश हो चुके जनाब। अब ये फॉर्म अब है किस किस्म का बना, देखना चाहेंगे आप लोग ये फॉर्म हमने कैसा बनाया? ऑल ऑफ यू पहले तो यस लिख देना, ताकि आपको मुझे जगाना पड़ेगा बार बार जो चीज सिखाई है। अगर इसको अप्लाई करोगे तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, वो आपको अभी अभी पता लगता है। मैं आपको दिखाता हूँ यार, मेरी जो अगली क्लास है ना, ये बैच 20 के साथ है, तो ये मिस अनिला आजम, जरा माइक ऑन करें अपना। यस सर, मैडम अगली क्लास मेरी आप होस्ट कर रही हैं? यस सर, मैं होस्ट कर रही हूँ। मेरी जरा तबीयत इस वक्त डाउन है, हेवी डाउन है, मुझे पता है मैं इस क्लास में कैसे बैठा हूँ, तो आप जरा उनको ना 5 मिनट एंगेज करें, मैं इस टॉपिक को कंप्लीट कराऊँ, तो मैं उनसे एक्सक्यूज करके आज की क्लास को ऑफ करूँ। सर सेकंड क्लास जो आपकी है सर, वो सर वसीम होस्ट कर रहे हैं, मैं उन्हें कह देती हूँ अभी। अच्छा ठीक है। जी सर। अच्छा जी, ये आपने डिस्क्रिप्शन डाली, डिस्क्रिप्शन के बाद लगी एमसीक्यूज हमने पूछे, इस ऑप्शन को उसने सेलेक्ट कर दिया, मैं मरी जाना चाह रहा हूँ, काइंडली टेल अस वेयर डिड यू सॉ आवर फर्स्ट एड, तो हम कह देते हैं आपने हमारा एड इस जगह पे देखा। वो कहेगा जी ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, अगले सफ़े पे क्या आएगा? कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, अपना फुल नेम, ईमेल, फोन नंबर, सिटी। फिर अगले सफ़े पे देखते हैं क्या आएगा, ये प्राइवेसी ए पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद ये हमने
अभी बनाया कि कॉल अस नाउ, इस बटन पे वो क्लिक करेगा तो कॉल मिल जाएगी उसके नंबर से आपके नंबर पर। मुझे होस्ट कर दीजिएगा। ऑल इज क्लियर। ये फॉर्म लीड एड में सिर्फ फॉर्म है और इस फॉर्म को 4-5 दफा बनाना है आपने। इसको इग्नोर तो नहीं करेंगे या फॉर ग्रांटेड तो नहीं लेंगे कि सर ने पता नहीं क्या सिखा दिया या टाइम वेस्ट हो गया हमारा या फिर हम फेसबुक पे आ गए, या बदकिस्मत होंगे अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और आप अगर पैसे कमाना चाह रहे हैं, पैसे छापना चाह रहे हैं, तो आप जाके इसको देखिएगा इसकी वर्थ क्या है। मैं बल्कि दिखाता हूँ आपको भी एक मिनट की सवाल करवा लेंगे। सर अगर हम दराज पर वो फोन सेल कर रहे हैं तो क्या उसका लिंक डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं अली भाई, बिल्कुल आप लगा सकते हैं। अच्छा अब यहाँ पर मैं एक पेज ओपन करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ अपनी अर्निंग के नाम से पेज है। मैंने कोई 8-10 पेजेस पर एक कैंपेन चलाई थी काफी अर्सा पहले, अभी महीना 1.5 महीना पहले, तो बड़े शानदार रिजल्ट थे उनके, लेकिन वो संभाल नहीं सके। वो आप देखते हैं ना कि जब लोगों को ज्यादा बिजनेस आना शुरू हो जाए तो वो अगर उनकी कैपेसिटी ना हो तो वो अननोन करना शुरू कर देते हैं। तो आपकी जो कैपेसिटी हो वो उसको आप हैंडल जरूर कर सकें। रिस्पांस आने में टाइम नहीं लगता लेकिन रिस्पांस को हैंडल करने में बड़ा टाइम लगता है। तो आपने जब अपना पेज ओपन करना है लीड जनरेशन का एड चला के, तो आपने कहाँ पर आ जाना है? ऑल ऑफ यू प्रेजेंट, आपने एड चलाना है वहां से फेसबुक एड्स मैनेजर से लीड जनरेशन का। जब आपका एड चल जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, और ये एड चलने में कितना टाइम लगेगा? 8 से 24 घंटे, कम से कम 8 घंटे, मैक्सिमम 24 घंटे, ठीक है। पब्लिशिंग टूल्स पे आप जाएंगे, जो ही आप पब्लिशिंग टूल्स पर जाएंगे तो आपको यहां पर यार ये इतने नोटिफिकेशन है, मैं तो थक गया हूँ। अच्छा जी जी ये आप देख रहे हैं लीड एड्स फॉर्म लेफ्ट साइड पे, आपको जो लोग कांटेक्ट करेंगे ना, जो आपको डाटा आ रहा होगा वो इस कॉलम में आ रहा होगा, लीड एड्स फॉर्म लेफ्ट साइड पे आप देखें प्लीज। हाँ जी, जब आपने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमें पता लगा कि ये एक एड हमने लीड एड का चलाया हुआ था। लीड्स काउंट 269 लीड्स आई, ठीक है, और ये एड एक्टिव था 9 जून को ये क्रिएट हुआ। क्लियर। अब ये क्या है 269 लीड्स? ये 269 ऑर्डर्स थे जो लोगों ने प्लेस किए हमारे कोर्स के लिए लीड एड के थ्रू। कहाँ पर जाके लीड एड का डाटा शो होगा? क्लियर लिखते जाए सिर्फ यहाँ पर लीड एड फॉर्म, उससे पहले आप मोर पे जाके पब्लिशिंग के टूल्स पे जाएंगे और यहाँ पे आपको शो होगी, ठीक है। अब आप जरा इसको डाउनलोड करके देखें, बल्कि दिखाता हूँ मैं आपको लाइफ टाइम। ये लाइफ टाइम हम लीड डाउनलोड कर रहे हैं, जब तक अपने हाथ से नहीं करोगे समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं फिर भी आपको ट्राई कर रहा हूँ, मैं सही वाला समझाऊंगा। यहाँ आपने डाउनलोड कर लिया, एक्सेल के फॉर्म में आएगा ये डाटा। किस फॉर्म में आएगा? ऐसे ही होता ही है ना, जब फेसबुक का इनबॉक्स का ऐड चलता है, आपको 500 लोगों ने इनबॉक्स किया कि हमें ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, फलानी चीज चाहिए, तो क्या करेंगे? नाम देंगे, नंबर देंगे, ऑर्डर का डिटेल बताएंगे। आप क्या करेंगे? आप डेटे को वहां इनबॉक्स से उठाएंगे और एक्सेल की शीट में पेस्ट करना शुरू करेंगे कि डेटा ऑर्गेनाइज्ड हो सके। ऐसे ही होता है ना कि डेटा एक्सेल में हमेशा ई कॉमर्स का ऑर्गेनाइज्ड होता है, ऑर्डर वाइज कैश ऑन डिलीवरी का जितना भी काम या जो भी आपका काम है वो एक्सेल में आप प्रॉपर उसको ऑर्गेनाइज करते हो। तो लीड एड का आपको क्या फायदा हुआ? लीड एड का फायदा ये है कि इसके तहत आपको डाटा ऑर्गेनाइज्ड नहीं करना पड़ेगा, आपको ऑटोमेटिक एक्सेल की शीट में डाटा अलग कर आएगा, आपको डाटा ऑटोमेटिक एक्सेल की शीट में दिखेगा। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये कुछ सवाल जवाब थे, वो हमारे किसी काम के नहीं, जो हमारे काम के सवाल जवाब, मतलब कि ये आप नाम से इसको शुरू करा दें बस। ये इसको मैं डेल कर देता हूँ। तो ये इस कोर्स में इंटरेस्टेड थे, इन्होंने ये फ्री या पेड को ज्वाइन करना था। फुल नेम इनका ये था, फोन नंबर इनके ये थे, जेंडर इनका ये था, शहर इनका ये था। हमने क्या किया, 1 by 1 कॉल्स करवा के इसको वेरीफाई किया, कन्फर्म। ऑल ऑफ यू क्लियर। And can you imagine, इन 270 लोगों के ऊपर हमारा मार्केटिंग बजट कितना आया?
1,000 रुपया 1,000 रुपीज लगा था, और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हाईली इंटरेस्टेड लोगों ने हमसे रब्ता किया। 1,000 रुपया ऐड पे लगा था, मेरे ख्याल जो कि 2-3 रुपए की एक हमें लीक पड़ी थी, 2 से 3 रुपए की। ठीक है सर, इसको अप्लाई कीजिएगा, पहले सीखें इसको बनाना, लीड ऐड की प्रैक्टिस करें, फॉर्म बनाएं, कैरोसॉल बनाएं, उसके बाद ऐड को रन कर दो, और अगली क्लास में आने से पहले कोई ना कोई रिजल्ट हो आपके पास। ठीक है जी, इजाजत है मुझे, थैंक यू सो मच। मेरी आपको मैं